हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सबसे पहले ये बोलती हूँ कि जो लोग कमेंट करते हो वीडियो को, थोड़ा देखना, कमेंट करना वीडियो को देख के, उसके बाद अच्छा कमेंट करते हो सभी लोग, पर लाइक उसके हिसाब से नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर देना, आप लोग को रिक्वेस्ट है मेरा। तो सभी भाइयों का प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार, और जो लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखे हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। मैं हूँ झुमा, इंडियन ब्लॉगर झुमा। झुमा के चैनल में सभी बड़ों को, छोटे को, सबको लेके शुरू करते आज के दिन, आज के ब्लॉग। तो आज है चॉकलेट डे, तो हैप्पी चॉकलेट डे। तो सब यहीं से दूर से चॉकलेट थोड़ा थोड़ा मेरे हाथ से खा लेना। तो चलो आज की हम जो भी कर रही हूँ वो दिखाती हूँ, और मॉर्निंग में थोड़ा सा मैंने जो बनाया वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो स्टार्ट करते आज के दिन की ब्लॉग। तो ये है बड़ी, और बड़ी को मैंने तल के रखा, ये कलकत्ता का बड़ी था। तो यहाँ पे तेल डाल दिया, मेथी डाल दिया, ये देखो पालक, गाजर, आलू सब मिक्स करके रखा है मैंने काट के। तो मैं अब इसमें डाल दूँगी, और मेथी और हरी मिर्ची का तड़का लगाया, और इसमें हल्दी और नमक डाल दिया। तो अब मैं इसको थोड़ा हिलाऊंगी, क्योंकि इसको पहले मैं फ्राई कर लेना था, पर मैंने आज फ्राई नहीं किया। तो मैंने सोचा आज इस तरह से बना के देखती हूँ कैसे लगता है, तो इसलिए मैंने फ्राई नहीं किया। वैसे फ्राई करके बनाऊँ तो और अच्छा लगता है, पर मैं अभी मॉर्निंग था और जल्दी जल्दी में करा, तो आज मॉर्निंग में दूध भी मॉर्निंग में ही लेके आए थे, तो क्योंकि दूध नहीं था तो मॉर्निंग में ही आ गए थे दूध। और फिर मैंने इसको, देखो पानी भी निकल गए, और इसको ऐसे ही चलाते रहूँगी, थोड़ा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें बड़ी डाल दूँगी, क्योंकि जो कलकत्ता का है वो बड़ी यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप दाल बना के सुखा के उसका बड़ी होता है, ये होता उड़द की दाल की बड़ी होती है। तो इस बड़ी को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं सब्जियों में, तो ये मैंने साग में डाला, तो इसकी सब्जी बहुत बहुत ही अच्छा लगा था खाने में, और एकदम देखो एकदम सूखा कर, जितना सूखा करूँगी उतना ही अच्छा लगेगा। तो देखो एकदम सूखा सूखा हो गए, तो अभी मैं फटाफट बनाऊँगी। तो क्योंकि ये तो हो गया एक सब्जी, और मुझे एक सब्जी और आपके साथ शेयर करना है। तो ये है कलंजी, और बंगला में बोलते हैं कालो जीरा, लहसुन और हरी मिर्च, और फिश मैंने फ्राई करके रखा। तो ये डालूँगी, और डाल के तो मैं इसको देखो पेस्ट भी मैंने बना लिया, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, मिर्च डालना नहीं है, और इसी में मैंने थोड़ा पानी रख लिया, क्योंकि इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखो कलौंजी फिर से तेल में डाल दिया, अब डाल के तो इसी में मैं मसाला डाल दूँगी, और इस मसाला को ज़्यादा मतलब फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि कलौंजी डला हुआ है। तो और कलौंजी, लहसुन, ये सब डाल के मैंने आज ये फिश को बना रही हूँ। तो इसमें और थोड़ा तेल आप डाल सकते हो, तो मैंने थोड़ा कमी डाला तेल, ये मेरी भाभी ने सिखाई थी मुझे, तो मैंने आज अपने आप से ट्राई किया, पर ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जिसका हाथ पैर में दर्द होता है तो इस सब्जी को या इस मसाला को भी खाए तो भी बहुत फ़ायदा करता है। तो मैं तो आज ये बनाई हूँ, और इस रेसिपी बहुत सिंपल है पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो इसमें मैं अभी पानी डाल दूँगी, और पानी डाल के इसी का जो मसाला में था उसको डाल के उसके बाद थोड़ा सा और पानी डालूँगी, कि पानी डाल के उसके बाद मैं इसको फिश को डाल दूँगी। तो ये नाम तो नहीं पता कि इस रेसिपी का क्या नाम दूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे इसका नाम तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। पर मैंने तो आज ये रेसिपी बनाई, क्योंकि आज तो चॉकलेट डे है, और चॉकलेट तो खाए ही है, पर थोड़ा सा भाभी की हाथ की रेसिपी खा लूँगी, तो सोचूँगी भाभी की हाथ की चॉकलेट मैंने खा लिया। तो चलो, मैंने तो मॉर्निंग में बच्चों को मेरे बच्चों के लिए लाई थी चॉकलेट, चॉकलेट दे दिया। तो देखो ये मैंने फ़िश लाई, और फ़िश ला के फ्राई करके डाल दिया। तो ये कतला है, और ये कतला को मतलब ये अच्छा लगता है, एक बार ही खाई थी मैं,
और ये बहुत टेस्ट हुआ था, एकदम मसाला वाला फिश होती है उस तरह से ये बनता है। और आप लोग बना के देखना, अगर बना के खाओगे तभी यकीन करोगे कि ये कितना टेस्ट होता है, इतनी टेस्ट होता है कि बहुत ज़्यादा। तो चलो ये तो बना रही हूँ, और बना के तो फिर मुझे किचन क्लीन करना है, और भी जो बनाई हूँ वो आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करती हूँ आज, तो अच्छा लगेगा मुझे तो ये शेयर किया। और किसी टाइम भी मैं एडिट करने बैठूँ तो कैसे ना कैसे इधर से उधर से आवाज़ आ ही जाता है। तो देखो तेल डाल दिया इसमें, थोड़ा सा मैंने कच्चा, तो कच्चा तेल डाल दिया। तो आप कभी कच्चा तेल डाल के देखना, इस तरह से बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी का टेस्ट, और थोड़ा सा दुगना हो जाता है किसी किसी सब्ज़ी में, ये हम डालते ही हैं। तो जैसे इसमें डालेंगे तेल, किसी में घी, किसी में चीनी, ये हमारी बंगाली आदत है। तो ये देखो एकदम सब्जी मेरा फिश करी बन के रेडी है, और सब लोगों ने खा के इसका तारीफ तो करेंगे ही करेंगे मेरे घर पे, मैंने तो खा लिया। तो चलो मॉर्निंग का जो मेरा था, ये बेडशीट लगा दिया मैंने, और ये कपड़े अभी धोऊंगी नहीं क्योंकि मेरा थोड़ा काम है बाहर, तो ये सब करूंगी। किचन का क्लीन हो गया, सब कुछ हो गया, और ये लंच टाइम है। लंच टाइम में देखो मैंने सारा ले लिया, फिश करी, पकौड़े, और बेट के दिया दाल मिक्स बना के, ये सब जो आमलेट, आलू भाजा, आलू का भुजिया, यही सब लेके मैं तो बैठी हूँ खाने के लिए। तो देखो मैंने धनिया के पत्ते का पकौड़े बनाई थी वो, और थोड़ा सा आलू का भुजिया, थोड़ा सा आमलेट, यही सब लिया, और यही लेके मैं खाने बैठ गई क्योंकि थोड़ा टीवी देखते देखते खाऊंगी। और आज थोड़ा सा मैं बिजी थी, थोड़ा बाहर जाना था मुझे, तो वहाँ पे गई थी, फिर वहाँ से आके थोड़ा सा फ्रेश हुई, फ्रेश होके तब बैठी हूँ, तो खाना वाना बना के चली गई थी। तो मैंने तो खाना खा लिया है, बर्तन भी धो दिया और सब कुछ कर दिया है, पर आज मैंने कपड़े नहीं धो पाई थी, आज कपड़ा मेरा रखा हुआ है। तो ये थी जो मैंने मॉर्निंग में नहाने के समय धो लिया था, उसके बाद जो मैंने बेडशीट चेंज किया, ये सब किया, वो नहीं धो पाई, तो वो रखा हुआ है अभी भी, कैसे कल धोऊंगी, मॉर्निंग में धो लूँगी कल। तो चलो खाना खा लिया है मैंने, तो ये इस तरह से, जिस तरह से मैंने आज फिश बनाया, इस तरह से अगर आप लोग बनाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। फिश फ्राई नहीं दिखाया, फ्राई तो जैसे होता है फ्राई ऐसे ही कर लेना, बस जो मसाला मैंने डाला है वो उस मसालों के साथ आप लोग बनाना, और इतना अच्छा लगेंगे खाने में, बहुत अच्छा, बिना प्याज बिना टमाटर की है वो, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और पालक के साग मैंने बनाया इस तरह से, अगर आपके पास ये वाला बड़ी ना हो, आप कैसे भी बड़ी डाल दो या नहीं डालो उससे कोई मायना नहीं रखता, आप ऐसे गाजर और सारे बाकी सब्जी के साथ बना के खा सकते हो, तो अच्छा लगता है खाने में। तो चलो फिर मिलूंगी नया ब्लॉग के साथ, आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना, स्माइल करते रहना। गुड इवनिंग।